हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और आज है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और अभी सिद्धांत कर रहा है, क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहा है, लेकिन उसको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कैसे क्या करूं। तो चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इधर थोड़ा अंधेरा आ रहा है। सिद्धांत का ये है क्रिसमस ट्री, और सिद्धांत पूरा सेंटा क्लॉज बन चुका है। ये फटाफट फास्ट फास्ट। तो चलो मैं भी इसकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि और वैसे भी उस साइड से थोड़ा सही नहीं आ रही है फोटो, मतलब वीडियो, थोड़ा अंधेरा आ रहा है लाइट चलाने के बाद भी। यहाँ पे इतने सारे सब लोग एकदम रेडी हैं, जैसे लग रहा है हमारे घर में पूरा कैमरा ऑन है क्या? बिल्कुल। अरे ये कट कर देना, ये पूछ है जहाँ रखो वहां से ये तो अभी हम लोग चलो फटाफट सजाते हैं ट्री। देखो सजाते जा रहे, कल रात से इसको डेकोरेट किया जा रहा है। अभी तक इसका जो वो होता है ना मुहूर्त, वो अभी तक नहीं निकला है, अब निकलेगा। तो फाइनली इस क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने का जो क्या बोलते हैं उसको, मुहूर्त नहीं मुहूर्त वो आ गया है, और अब इसको किया जा रहा है। सेंटा क्लॉज को थोड़ा आगे लगाओ ना, पीछे क्या कर रहे हैं वो? वादियां देख रहे हैं वहां से, वादियां देख रहे हैं। और मेरा लिटिल सेंटा कहाँ है? लिटिल सेंटा ये है मेरा लिटिल सेंटा। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ओ व्हाट द फक इज दिस रेड और मुंगम मसले। हो गया, ये है ताजमहल। इसका दो दो चोटियां होता। और ये सिद्धांत का लास्ट ईयर का क्रिसमस ट्री है, छोटा सा जल्दी छोटू सा था, इस बार थोड़ा बड़ा हुआ है तो बड़ा क्रिसमस ट्री आया है। नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ा होगा तो और बड़ा क्रिसमस ट्री आएगा, है ना? उसके नेक्स्ट हम बगीचा खोल देंगे। उसके नेक्स्ट हम बगीचा। अभी जो मैं इससे पहले बोली थी कि इस क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने का फाइनली मुहूर्त जो है वो आ गया है, वो इसलिए बोली हूँ क्योंकि इसको हम एक दिन पहले से सोच रहे थे कि इसको अभी मतलब पहले से हम इसको तैयार करके रख लेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और लास्ट नाइट इसको सोचे थे कि सब खाना खाने के बाद रात में हम इसको करेंगे, सजाएंगे पूरा, और फिर उसके बाद ही सोएंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया किसी वजह से। और फिर सुबह से टलते टलते मतलब सिद्धांत तो बोल रहा था कि मम्मा चलो करते हैं, मम्मा चलो करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ही नहीं टाइम था, और वो बच्चा भी छोटा है तो अभी वो अकेले कर नहीं पाता, तो किसी न किसी की उसको हेल्प की ज़रूरत रहती है, तो अभी वो कर नहीं पाता, इसलिए हम लोग बस कह रहे थे अभी करेंगे और अपने कामों में लगे हुए थे। तो फिर दोपहर होगी तो हम लोग कहे कि अब चलो फाइनली करते हैं, नहीं तो क्या क्रिसमस बीतने के बाद इसको करेंगे। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि चलो फाइनली इसका मुहूर्त जो है वो आ गया है। और ये क्रिसमस में तो बच्चों को बहुत खुशी मिलती है कि हाँ ये सब, तो हम भी जो कर रहे हैं वो सब इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसका ही रहता है कि हाँ क्रिसमस आ रहा है तो ये करना है वो करना है। बच्चे तो आजकल ज़्यादा ही मतलब ये सब देख के एक्साइटेड रहते हैं कि हम भी क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, तो बस जो भी है उसी के लिए कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा जो क्रिसमस ट्री है वो हो गया है। और रोज व्यू दिखा दो इन्हें।
ठीक है ना, क्लोज व्यू दिखला देती हूँ मैं भी। लेकिन पहले हम लोगों को भी तो देख लो जरा, यहाँ पे फोर फोर सेंटर रिलैक्सेशन, थकावट दूर हो रहा है, थकावट दूर हो रहा है। जरा यहाँ पे देखो, दो दो छोटे छोटे सेंटर, हम सेंटा। ये है मेरा क्रिसमस ट्री। अरे फट, आप लोग बताना कि किस तरीके से ये हुआ है डेकोरेट, पूरा कैसा लग रहा है ये। और ये सिद्धांत का छोटा वाला क्रिसमस ट्री है जो सिद्धांत लास्ट ईयर लिया था। ओले बाबा ले, जिंगल बेल कितना सुबह से हो रहे है, कितना सुबह से जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ये चीज ये कहाँ कैसे रहना चाहिए। हाँ चलो बताओ। ये देखिए, ये जो ऐसे है ना, ऐसे इसका मतलब कि हम एक्टिव है, रास्ते में हम चल रहे हैं। और ये जो ऐसे रहता है तो स्लीपिंग मोड है, रात में सोने जाएंगे तो ये कैसे कैसे सोने जाएंगे, ऐसे करेंगे सोने के लिए। और ये कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अच्छा, आप नया फैशन निकाले जैसे कि कैसे ये एक्टिव है सोने के लिए, ये स्लीपिंग मोड है, ये स्लीपिंग मोड है। अच्छा, कॉमन है, ये कॉमन है। अच्छा समझे सिद्धांत।